नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैंने पहला वीडियो भाग एक अलसी यानी कि लिनसीड फ्लैक्सीड ऑयल, इसके गुण और फायदों से आपको अवगत कराया भाग पहले में। अब मैं इसका द्वितीय भाग आपको पेश करूँगा। देखिए, अलसी आजकल दांत और मसूड़ों में दर्द की समस्या आम हो गई है। कभी ज़्यादा मीठा खाने से केविटी की परेशानी, कभी ठंड की वजह से मसूड़ों में सूजन और दर्द किसी को भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार दवाई का सेवन किया जाए, आप दवाई की जगह घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। अलसी इन्हीं घरेलू उपायों में से एक है। आप अलसी को अपनी समृद्धि में उपयोग कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इस प्रकार ये सूजन और मसूड़ों को दूर करती है, उनकी तकलीफों को ठीक करती है। चमड़ी के लिए, स्किन स्वास्थ्य के लिए अलसी लाभ तो आप जान गए, और कुछ इनके नुस्खे हैं जो अपनी स्किन को साफ सफाई से रखें। एक जो स्किन की बीमारी होती है बहन बेटियों को, जो कील और मुहासे जिन्हें कहते हैं, तो इसके अंदर फेस वॉश या घरेलू उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इस उपाय में अगर अलसी को शामिल किया जाए तो कुछ हद तक कील मुहासों से छुटकारा पाया जा सकता है। आप चाहें तो रोज एक या दो चम्मच अलसी का सेवन करें, या फिर आप इसे फेस मास्क की तरह ही उपयोग कर सकते हैं। मैं आगे आपको इसका तरीका बताता हूं। अलसी का फेस पैक सामग्री क्या क्या है? एक चम्मच अलसी का पाउडर। अलसी का फेस पैक, इसका तरीका और इसकी सामग्री। एक चम्मच अलसी का पाउडर, इसका पाउडर आप या घर पे बना लें या बाजार से बना हुआ मंगा लें, और एक चम्मच अलसी का पाउडर और 3 चम्मच पानी 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यह चिपचिपा पेस्ट होने लगा है। अब इस पेस्ट को चेहरे पे लगाएं, फिर इसे सूखने दें। उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और मॉइस्चराइजर लगा लें। अलसी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कई तरह के विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 एसिड होता है, जो चमड़ी के अंदर निखार लाता है। इसके अलावा इसके सेवन से कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, जिस कारण शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और चमड़ी के रोग, कील और मुहासे या जो भी है वो परेशानी ठीक होती है। सोराइसिस नाम जो है एक चमड़ी का रोग है, तो इसके अंदर भी किसी भी अंग में ये हो जाती है तो कोहनी, हाथ, पैर, स्कैल्प, घुटना, हथेली व पांव के तलवों में भी ये हो सकती है। इसमें चमड़ी पर लाल रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं और खुजली या जलन हो सकती है। ऐसे में आप अलसी का तेल लगा सकते हैं। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा समस्याओं कुछ हद तक दूर कर सकता है, लेकिन इस बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि हर किसी की चमड़ी एक जैसी नहीं होती। अगर आपकी चमड़ी में किसी भी चीज से जल्दी इन्फेक्शन या एलर्जी है तो पहले इसका पैच टेस्ट करवा लें। सोराइसिस के लक्षण, एक्जिमा के अंदर अलसी दवाई के साइड इफेक्ट ज्यादा साबुन या डिटर्जेंट के इस्तेमाल से धूल, मिट्टी, अन्य कारणों से चमड़ी के संक्रमण हो जाता है। एक्जिमा उन्हीं में से एक है। बार बार खुजली या जलन होना, कभी कभी रेशेज होना एक्जिमा के लक्षण होते हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए रोज 1-2 चम्मच अलसी का सेवन करें। एक्जिमा के साथ अलसी दांत जैसी समस्याओं से भी आपको छुटकारा दिलाती है। फोड़े पुंसी होते हैं तो इस समस्या को बहुत कष्टदायी समझते हैं, ऐसे में आप
इसे कम करने के लिए शुरुआत में अलसी का लेप लगा सकते हैं। आप एक चौथाई अलसी के बीज को थोड़े या बराबर मात्रा में सरसों के साथ पीसकर लेप बनाकर लगाएं। इससे आपको कुछ हद तक आराम मिल सकता है। अगर आपको दर्द ज्यादा महसूस हो तो आपको ठीक लगे कि ठीक होने में वक्त लग रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से जांच करा लें कि ये ठीक क्यों नहीं हुआ। धूल मिट्टी प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणें और तरह तरह की चीजों के इस्तेमाल से त्वचा रूखी, बेजान और वक्त से पहले झुर्रियों का शिकार होने लगती है। उम्र के साथ झुर्रियों का होना सामान्य है, लेकिन ये झुर्रियां अगर उम्र से पहले दिखने लगे तो चिंता का कारण है। ऐसे में आप अलसी को घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलसी का तेल लगा सकते हैं या अलसी का सेवन भी कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई अन्य तत्व मौजूद होते हैं जो एंटी एजिंग का काम करते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं और चमड़ी को जवान रखते हैं और पोषक तत्वों को पूरा चमड़ी को देते हैं। अलसी में ये सब आसानी से उपलब्ध होता है। इसके अलावा ये चमड़ी को हाइड्रेट भी रखता है। अगला जो इसका फायदा है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए अलसी। स्ट्रेच मार्क्स की समस्या सिर्फ गर्भावस्था में नहीं बल्कि वजन बढ़ने और अन्य कई कारणों से भी होती है। स्ट्रेच मार्क्स आमतौर पर अस्तन व जांघों पर होते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर एक बार स्ट्रेच मार्क हो जाए तो उसके दाग, अगर वक्त रखते ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके दाग को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है और अलसी के बीज उन्हीं में से एक है। अलसी स्ट्रेच मार्क्स को हटाने में सक्षम है। आप नहाने के बाद या सोने से पहले स्ट्रेच मार्क पर अलसी के तेल को लगा सकते हैं। इसके लगातार उपयोग से कुछ हद तक दाग कम हो सकते हैं। अलसी का तेल का रंग ये होता है, बिल्कुल पीला रंग होता है। और एक चीज और है, खरीदते वक्त देखें अलसी के अंदर अगर बहुत ज्यादा चिपचिपापन है वो भी नहीं होना चाहिए और कुछ चिपचिपापन भी होना चाहिए। इसलिए अलसी का तेल और अलसी देखभाल के खरीदें, अधिक ना खरीदें, अलसी खराब हो जाती है। हाँ, मैं आगे आपको बता रहा था दाग कम हो जाते हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी अनुमान है कि ऐसा होता है। इसके अलावा इस पर भी निर्भर करता है कि दाग कितने समय से हैं। इसमें आपको मैं अलसी जो सिर के बाल हैं इसमें क्या लाभ करती है, यानी कि हेयर बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्स सीड्स, इन मैं आपको बताता हूँ। हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत हों। इसके लिए लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बाल अच्छे नजर आने की जगह रूखे और बेजान होकर गिरने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुछ घरेलू उपायों को आजमाया जाए। अलसी उन्हीं में से एक है। बालों को झड़ने से रोकती है अलसी। खूबसूरत बाल जब झड़ने लगे तो काफी दुखदायी होता है। मन के अंदर बालों का झड़ना अच्छा नहीं लगता, पोषक तत्वों की कमी से या किसी चीज के साइड इफेक्ट से ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज के लिए दवाइयों का ही सेवन करें। कुछ घरेलू नुस्खे और पोषक तत्वों के सेवन से आपके बालों का झड़ना कम हो सकता है। बालों का झड़ना रोकने के लिए आप अलसी का उपयोग कर सकते हैं। अलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं। अलसी बालों की जड़ों को जान प्रदान करती है और इन्हें खूबसूरत और चमकदार बनाती है। अलसी के सेवन से बनने वाले घरेलू फेस पैक की विधि हम आपको बता रहे हैं। ये विधि है अलसी का जेल बनाने के लिए 2 कप पानी और 4 चम्मच अलसी के बीज। आप अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री ले सकते हैं। बनाने की विधि यह है कि 2 कप पानी को उबालें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें 4 चम्मच अलसी के बीज मिला दें। अब इसे किसी चीज से ढककर 10 से 15 मिनट तक उबलने दें।
इसके बाद गैस बंद कर दें और छान लें। इस मिश्रण को आप सुबह बालों पर लगाएं और कुछ मिनट बाद आप धो लें। आप इसे रोज या हर दूसरे दिन भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि अलसी जैसी जेल सभी को सूट करे, इसलिए जेल प्रयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय ले लें। देखिए, किसी किसी को अलसी का जेल माफिक नहीं आता है, तो अपने विशेषज्ञ की राय ले लें। इसके अलावा आप अलसी का तेल भी लगा सकते हैं या अलसी का सेवन भी कर सकते हैं। अगला जो इसका फायदा है, जो डेंड्रफ होता है, बालों का एक रोग, ये स्कैल्प में खुजली की परेशानी किसी को भी हो सकती है। इसमें कई बार शैम्पू भी असर नहीं करता, ऐसे में आप अलसी के तेल से बालों की मालिश कर सकते हैं। अलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और जो स्कैल्प के खुजली को समस्या को कम कर सकते हैं। इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं अलसी के अंदर, अलसी के औषधीय गुण अनेक हैं, इसलिए भारत में से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अलसी को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि ये गुणों और पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। अलसी के फायदे बताने के बाद में आपको कुछ सूची बताता हूँ। भले ही अलसी पोषक तत्वों का खजाना है, अलसी खाने के फायदे, हाँ अलसी के जो टाइप हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको खाने का सही समय और इसका क्या तरीका है। अलसी के फायदे जानने के बाद आप इसे अपने आहार में शामिल करने का अगर सोच रहे हैं तो इसके सेवन के बारे में भी विस्तार से जान लें। अलसी के बीज का अगर आप सेवन करते हैं तो हो सकता है कि यह आपके शरीर से बिना पचे ही निकल जाए। अलसी खाने के पश्चात फायदे तब और बढ़ते हैं जब आप इसे सही समय और सही तरीके से खाएंगे। मैं आपको बताता हूं, आप अलसी के पाउडर को रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपको अलसी में मौजूद सारे पोषक तत्व मिलेंगे। इसके पाउडर में सारे पोषक तत्व है, इसके पाउडर के रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, आप अलसी के बीजों को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें और फिर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप ठंडे पानी में अलसी के बीज भिगो रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएं, उसके बाद काम में ले। ध्यान रहे, आप अलसी के बीज के साथ खूब पानी पिए। आप अलसी के लड्डू भी खा सकते हैं। आप अपने नाश्ते के साथ, स्मूदी के साथ या सलाद के साथ भी अलसी खा सकते हैं। आप अलसी के पाउडर को दही व दलिये में डालकर भी खा सकते हैं। अलसी को खाने का सबसे अच्छा वक्त है सुबह का। आप सुबह नाश्ते के साथ अलसी का सेवन करें। अब मैं आपको, कई लोगों के मन में सवालात पैदा होते हैं कि हम इसको ले रहे हैं, ये सुरक्षित है या नहीं है। आप अलसी के बीज को किसी एयर टाइट जार में डाल करके अच्छी तरह पैक करके फ्रिज में स्टोर करके रखें। आप अलसी के बीज के पाउडर बना करके भी उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें। इसके अलावा जब आप खरीदने जाएं तो उसकी पैकिंग और उसकी डेट वगैरह ये अच्छी तरह से देखें। इसके अलावा अगर आप अलसी के बीज का सेवन या उसका उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि उसका छोटा पैकेट ही खरीदें। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बदबू देने लग जाता है और कभी कभी छोटे कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए आधा किलो से ज्यादा मत लाओ। बार बार ले आओ, क्या बाजार तो जाते ही रहते हो। ये ज्यादा पाउडर इसका मत बनाना आप। हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अलसी के कुछ नुकसान, हर चीज का फायदा और नुकसान देखो दोनों होते हैं। अगर किसी चीज जो फायदा करती है तो वो थोड़ा बहुत हानि भी करती है। इसी तरह अगर अलसी के फायदे हैं तो अलसी के नुकसान भी हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जरूरत से ज्यादा अलसी खाने से पेट खराब होने की समस्या हो सकती है, जरूरत से ज्यादा। जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है वो अगर अलसी का सेवन करेंगे
तो उनका ब्लड प्रेशर और कम हो सकता है। तीसरा, अलसी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्भावस्था में इसका सेवन खतरनाक है। इसकी गर्म तासीर है, जिन बहन बेटियों को पेट में बाल बच्चा है वो भूल करके भी अलसी के हाथ न लगाएं। अलसी से एलर्जी भी किसी किसी को हो जाती है, जिनको माफिक नहीं आती और खुजली भी हो जाती है। इसके अलावा शरीर में घाव भी हो जाते हैं और उस घाव को भरने में वक्त भी लगता है। और जो डायबिटीज का मरीज अगर अलसी का सेवन कर रहा है तो हर कुछ दिनों में अपना ब्लड शुगर लेवल जांच कराते रहें, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बहुत कम कर देता है। जो कोई डायबिटीज का रोगी अलसी का प्रयोग करता है तो अपने डायबिटीज को चेक कराते रहें, कहीं वो और नीचे नहीं चले जाए। अब ये किन लोगों को अलसी नुकसान करती है और उनको इससे बिल्कुल बचना चाहिए, किससे? अलसी से। बच्चों को अलसी का सेवन नहीं कराना चाहिए। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं अलसी से परहेज करें। उन्हें अगर अलसी खानी भी है तो एक डॉक्टर की राय लेके खाएं। हाँ, जिनको मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग की परेशानी होती है वो अलसी का प्रयोग नहीं करें। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर या और कोई बीमारी होती है वो अलसी का प्रयोग न करें। जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की परेशानी हो वो भी बचें। जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती है वो बचें। अलसी खाने के फायदे जानने के बाद आप इसे खाने में जरूर शामिल करेंगे। ये याद रखें, अगर आपकी चीज जल्दी से जल्दी एलर्जी होती है तो इसका सेवन अपने डॉक्टर से राय लेके करें। अलसी खाने के बहुत फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको अधिक खाना भी नुकसानदायक है। और डॉक्टर की कभी कभी एडवाइस लेकर के भी खाएं और बहुत लंबे समय तक आप इसको नहीं खाएं। अब मैं आपको एक अपना निजी ये अनुभव बताता हूं। देखिए, ये जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ का पांव का शरीर में कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर पट्टा कर देते हैं या जो भी कर देते हैं और जल्दी ठीक होना है, तो एक हड जोड़ी नाम की वनस्पति होती है, जड़ी बूटी, उसको बोलते हैं हड जोड़ी, यानी कि हाड को जोड़ने वाली अथवा हड्डी को जोड़ने वाली। तो बहन बेटियां उसको गमलों में लगाती है, तो ऐसे एक एक अंगुल के पीस होते हैं, बीच में गांठ सीख होती है, तो ऐसे ऐसे वो एक एक पीस करके और कोई चीज के सहारे ऊपर चढ़ती है, बड़ी अच्छी लगती है, हरे रंग की होती है और इतने तेई पीस होते हैं, बीच में गांठें होती है, उसको हड जोड़ी बोलते हैं। बहन बेटियां उसका टुकड़ा लाके गमले में लगा देती है तो वो लग जाती है। हाँ, तो मैं एक प्रयोग बता रहा हूं आपको, जिनको फ्रैक्चर हो गया है और उसको जल्दी से जल्दी निरोग करना है, तो उसके लिए दो पीस हड जोड़ी के, यानी कि इतने इतने दो टुकड़े और थोड़ी सी उड़द का आटा, अंदाज से 4-5 पकौड़ी बन जाए इतना उड़द का आटा, और अलसी का तेल। तो उड़द का आटा और हड जोड़ी, इन दोनों को सिल बट्टे पे बांट लेवें और पकौड़ी बनाने जैसा वो लुद्दा बन जाएगा। तो अलसी को तेल को आप कढ़ाई में चढ़ाएं, सिर्फ अलसी का लिनसीड ऑयल, अलसी फ्लैक्सीड ऑयल, तो वो 5-6 पकौड़ी जो भी है उस तेल के अंदर निकालें, और जो फ्रैक्चर का पेशेंट है उसे वो 4-5 पकौड़ी खिला दे, ऊपर पानी आधी घंटा न पिलाए, फिर सब कुछ खाए। ये प्रयोग अगर 5 दिन कोई आदमी करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, जिसकी हड्डी 2 महीने में जुड़ने वाली है वो 1 महीने में जुड़ जाएगी। उसका नाम है
हड जोड़ी एक दिन में आपको ला करके और उसका वीडियो भी दूंगा और मैं आपको सुनाऊंगा भी। दोस्तों आज मैंने आपको, हाँ हड्डी बहुत जल्दी जुड़ती है उससे, हड्डी के अलावा शरीर में अगर कहीं दर्द है तो उनमें भी आराम आता है, लेकिन रोज प्रयोग की चीज नहीं है, थोड़ा जिम मिचला सकता है और कोई बात नहीं। हाँ तो आज मैंने आपको वीडियो दिए अलसी के, एक भाग पहला मैं दे चुका और दूसरा भाग भी मैंने आपको दे दिया और हड्डी को जोड़ने का मेरा जो निजी अनुभव था वो और बता दिया। और एक अनुभव और बताता हूं, आज से 50 साल पहले अलसी की नमकीन बनती थी, ऐसे अंगुली जैसे जैसी नमकीन बनती थी लंबी लंबी, तो चाराने के अंदर हमें इतना सा डूंगा भर के वो देते थे चार आने में, और हम पार्क में जाके एक एक टुकड़े को खाते, हमें क्या तो लुप्त मिलता। उस वक्त का आनंद आज नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता। तो उससे एक तो कब्ज बिल्कुल नहीं होता और इतना टेस्टी लगता। अब अलसी के तेल के नमकीन कोई बनाते ही नहीं है तो हम खाएं कहां से। अरे उसमें थोड़ी स्मेल आती है अलसी की, एक तरह से जो हर चीज की एक खुशबू तो होती है, हैं? और वो कहते हैं कि हर किसी की सूरत पे कोई ना कोई अदा होती है, वैसे ही हर कोई चीज की, तो उसकी नमकीन बहुत प्यारी बनती है। और ये बहुत निरोगा तेल है, लेकिन अब लोगों को रिफाइंड मुंह पे लग गया इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों को राय दे रहा हूं, आप अलसी का प्रयोग करें और इसके तेल का आपको प्रयोग करना है तो उसके 10 से 15 ड्रॉप आप 20 ड्रॉप तक दूध के अंदर डाल के 2 टाइम्स या 1 टाइम्स आप लें तो आपके तमाम रोग ठीक हो जाएंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। बाकी जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो उनके ऊपर निगाह रखें। और मैं निगाह ये रख रहा हूं कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।